बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम दार एरकम स्कूल। नाउ इट्स अ टाइम ऑफ इंग्लिश लेक्चर, सो टेक आउट योर इंग्लिश वर्कबुक पेज नंबर 35। टुडेज़ टॉपिक इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ स्टूडेंट, यू कैन सी हियर इज़ द पिक्चर एंड टेल मी व्हाट आर दे डूइंग। वन इज़ वॉकिंग, स्किपिंग, चिल्ड्रन आर रीडिंग। These are all action of present continuous tense. Now you can see here a structure of positive sentence. Now we are going to make negative sentence. How can we make negative sentence? Firstly, subject, helping verb, not an ing form of verb. Bismillahirrahmanirrahim. Open your workbook, page number 35, and mark date 3rd May 2021, and day is Monday. As I told you about present continuous tense, now student, you tell me what is present continuous tense. Hurry up. Very good. Have you learned the definition? Excellent. I know you are a very good and very brilliant students. Now student, we are going to make negative sentences. Okay, let's start. Firstly, we will see structure. फर्स्टली सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं, इज आर एम प्लस नॉट प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ओके, सिंपल में पॉजिटिव हम सेंटेंस देखते हैं, ही इज रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहा है। व्हेन वी मेक नेगेटिव सेंटेंस देन वी मेंशन, वी जस्ट मेंशन नॉट, He is not reading a book. वो एक किताब नहीं पढ़ रहा। Subject कौन से है student? Tell me. He, she, it, they, you, we, I. These are all subject because they perform action. ये काम करते हैं, ये subjects हैं। और helping verb क्या है? Is, are, am. और subject में जब हम negative बनाते हैं तो helping we mention not. We mention not with helping verbs plus ing form of verb plus object. Now student, firstly we will make negative sentence. Change these present continuous sentences into negative. पहले हम negative में करेंगे। He is drinking milk. Very simple and very easy student, you just have mentioned not. He is not drinking milk. Now student, we are going to make interrogative sentence. Firstly, you see here is structure of interrogative sentence. Is, are, am, are helping verb, then subject, then ing form of verb, and at the end object. जब भी हम ये सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट पे आते हैं, देन सब्जेक्ट, देन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एट द एंड। यू कैन सी हियर इज सेंटेंस, ही इज रीडिंग अ बुक। इफ वी आर गोइंग टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंस तो देन वी विल राइट, इज ही रीडिंग अ बुक, क्या वो एक किताब पढ़ रहा है। इज हेल्पिंग वर्ब, इज हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट पर लगाएंगे और बाकी सारा सेंटेंस ऐसे लिखेंगे और एट द एंड वी विल मार्क क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क जो है हम लास्ट पे पुट करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ही इज ड्रिंकिंग मिल्क, तो क्या करेंगे इसमें, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, इस जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट पे पुट करेंगे और बाकी सारा सेंटेंस ऐसे राइट करेंगे और एट द एंड वी विल मार्क क्वेश्चन मार्क। इज ही ड्रिंकिंग मिल्क, वी आर जंपिंग ऑन द बेड, आर इज हेल्पिंग वर्ब, वो सेंटेंस के स्टार्ट पे कर देगा, आर वी जंपिंग ऑन द बेड, और लास्ट पे क्या पुट करेंगे, क्वेश्चन मार्क। इट इज़ ईजी स्टूडेंट्स, टेल मी इज इट ईजी।
यस आई नो यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स और ये बहुत ईजी है। इसमें जस्ट हमने हेल्पिंग वर्ब जो है उसको उसके साथ हमने नेगेटिव में नॉट लगाना होता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सेंटेंस के स्टार्ट पे आता है और लास्ट में हमेशा हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उसके लास्ट पे वी पुट क्वेश्चन मार्क। एंड अलाफ स्टूडेंट्स।